राजधानी के बाढ़सत्रा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जो कई दिनों तक पड़ा रहता है, जिससे कई प्रकार की भयंकर बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। स्थानीय रहवासी भी कचरे और गंदगी को लेकर कई बार नगर निगम में शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। स्थानीय रहवासियों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि एक ओर तो सरकार स्वच्छता के लिए सर्वेक्षण करा रही है, तो वही दूसरी ओर उनके वार्डों में गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसकी ओर नगर निगम के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कचरे का कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ एक तरफ जब ये गाड़ियाँ तो आगे पीछे होती रहती हैं, जब वो आते कचरे वाले तो हम आगे करवाते हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं, पीछे रह करके आप आगे करवा के पूरा कचरा हटवाते हैं, लेकिन बार बार उनको फ़ोन लगाना पड़ता है। उसके बाद 10-10 दिन 20-20 दिन में आते हैं। यहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्वच्छता अभियान चल रहा है, ये कबाड़खाने भोपाल के अंदर वार्ड नंबर 17 में स्वच्छता अभियान है। यहाँ वार्ड नंबर 17 हमेशा बना रहता है, खतरा पुलियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पर नगर निगम से कई बार गोहल लगाई, अब जब बोल देते हैं 2-4 दिन के बाद आके वो कचरा उठवा के ले जाते हैं। बस मैंने कई बार एप्लीकेशनें लगाई क्योंकि यहाँ के वार्ड वाले सुनते नहीं हैं, स्वच्छ प्रभार पूरा ले रहे हैं। गाड़ी नगर निगम की आती है, गाने बजाती है, लेकिन सामान उठाती नहीं है। बस गाने सुन लो साहब के, साहब भोपाल स्वच्छ है और ये है, कुछ नहीं है। भोपाल नंबर एक हो जाएगा, स्वच्छ में कुछ नहीं होता, ना कोई सफाई होती, मच्छर मक्खी सब भिनकते रहते हैं यहाँ पर। साफ़ सफाई नाम को नहीं रही, नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, अतिक्रमण का कुछ नहीं है। दुकानदार थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं, मेरी दुकानदारों से भी गुजारिश है कि एक दायरे में अपने ना सामान को बाहर निकालें। लाइटें सब बंद पड़ी हैं, कोई सफाई का कुछ नहीं है। जैसा कि हर वक्त अपन जो शिकायतें करते हैं, नगर निगम में भी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। हमारे पार्षद साहब तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं इस जगह पर, और ज़्यादा कर हम लोग दरोगा के पास जाते हैं तो दरोगा तो वजनदारी में कुछ कहते हैं कि क्या कबाड़ खाने में खड़ा रहूँ, हैं तुम लोग सामान तो रख रहा हो रोडों पर और मैं क्या सफाई करूँगा। तो उसे ऐसी कई समस्याएँ हैं सर।